नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत ने विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच जीत लिया। ना सिर्फ भारत सीरीज में 1-0 से आगे हो गया बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप में भी टीम इंडिया को 40 अंक मिले और यहां भी टीम इंडिया टॉप पर है। अब इस मैच में रोहित शर्मा ने दोनों ही पारियों में शतक लगाया, लेकिन रोहित शर्मा का दूसरी पारी का शतक नहीं हो पाता क्योंकि अंपायर ने कर दी थी बड़ी गलती। यहां तक कि रोहित शर्मा भी चुपचाप ही पवेलियन जा रहे थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा। तो क्या हुआ था मैदान में, आपको दिखाते भी है और बताते भी है, आप इसको लेकर कमेंट जरूर करें। तो दूसरी पारी में टीम इंडिया को तेज रन बनाने की जरूरत थी और रोहित शर्मा वही कर भी रहे थे। रोहित शर्मा लगातार छक्के पर छक्के उड़ा रहे थे और इसी दौरान देन पीट बॉलिंग कर रहे थे और वह पारी का 32वां ओवर था। इस ओवर की 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा ने बड़ा शॉट मारा जो लॉन्ग ऑन की तरफ गया और लॉन्ग ऑन पर फील्डर मुथुस्वामी खड़े थे। मुथुस्वामी ने रोहित का कैच पकड़ लिया और कैच भी बिल्कुल मनीष पांडे के अंदाज में पकड़ा, बाउंड्री से अंदर बॉल को उछाला और फिर दोबारा कैच पकड़ लिया। अब रोहित शर्मा के साथ सभी को लगा कि वे आउट हो चुके हैं और इसीलिए रोहित भी वापस चल पड़े, लेकिन पवेलियन में बैठे कप्तान कोहली ने देख लिया था कि मुथुस्वामी ने वे कैच ठीक से नहीं पकड़ा था और रोहित नॉट आउट थे। इसीलिए कोहली ने पवेलियन से ही अंपायर को इशारा किया और थर्ड अंपायर की मदद लेने कहा। थर्ड अंपायर ने जब रिप्ले में देखा तब पता चला कि जैसे ही मुथुस्वामी ने कैच पकड़ा था और जब बॉल स्वामी के हाथ में ही थी तब मुथुस्वामी का पैर बाउंड्री रोक पर लग चुका था, यानी रोहित शर्मा यहां पर आउट नहीं थे और वे छक्का था और अंपायर ने भी इसे बाद में छक्का ही करा दिया। और इसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया जिसके बलबूते भारतीय टीम ने यह टेस्ट मैच भी जीत लिया। तो अगर विराट कोहली अपनी चालाकी नहीं दिखाते तो रोहित शर्मा 50 रन पर ही आउट हो जाते और भारतीय टीम भी मुसीबत में आ जाती। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत के हर ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।